गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम फिलिपस ओ सोलोमन, मेडिकल एक्सपर्ट डिमांड। आई एम ऑल्सो टिल अपियरिंग बिफोर यू टू गिव सम एनालिसिस फॉर योर पीसीएस एंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और आज का भी हमारा एपिसोड जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, और इस करंट अफेयर से रिलेटेड मैं वैसे टॉपिक का डिस्कशन करूँगा जो आपको हर एग्जाम में, खासतौर पर पीटी और मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये संवैधानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, देश के एक राज्य के रूप में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा इंटरनेशनली की बात करेंगे तो आज का हमारा डिस्कशन दो टॉपिक है जो बहुत हॉट टॉपिक है, वह है हमारा सिक्किम और वह हमारा है कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो जैसा कि हमें सभी को पता है कि ऑन 16 मई 2020 आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ग्रीटेड ऑल ऑफ द पीपल ऑफ सिक्किम स्टेट्स एज दियर सिक्किम स्टेटहुड्स डे। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने 16 मई को सिक्किम के जो भी जनता हैं उसको, उनको उन्होंने ग्रीट किए, अभिनंदन किए सिक्किम डे सेलिब्रेशन के रूप में। व्हाट हैपेंड ऑन 16 मई? माय डियर गाइस, एक्चुअली ऑन 16 मई 1975 सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। जैसा कि हमें पता है कि 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम जो है भारत के 22वां राज्य बना, ठीक है, एंड मोनार्की वाज एबॉलिश, और उस समय से ही वहां का जो राजशाही चलता था सिक्किम में उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बात होता है कि व्हाई इट हैज हैपेंड। एक्चुअली इट वाज हैपेंड एंड हॉस्टेड टू इनेबल द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स। द पार्लियामेंट ऑल्सो एमेंडेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि सिक्किम को एक सशक्त राज्य, सक्षम राज्य तथा इनकॉर्पोरेट भारत के यूनियन गणराज्य में करने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में अमेंडमेंट भी होता है, और एक अभिन्न जो अंग सिक्किम था उसको भारत में सुपुर्द भी कर ली जाती है। व्हाट वाज द बैकग्राउंड या व्हाट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सिक्किम, फर्स्ट वी हैव टू नो। माय डियर गाइस, द किंगडम ऑफ सिक्किम वाज फाउंडेड बाय द नामग्याल डायनेस्टी इन द 17th century। जैसा कि 17वीं शताब्दी में सबसे पहले सिक्किम के जो सम्राट थे जिनका नाम था नामग्याल, नामग्याल वंश यानी डायनेस्टी के द्वारा सबसे पहले सिक्किम साम्राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, एंड इट वॉज रूल्ड कंप्लीटली बाई बुद्धिस्ट प्रिस्ट किंग नोन एज चोग्याल। तो उस समय जब सिक्किम राज्य एक सम्राट के रूप में, एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, एक राजशाही के रूप में स्थापित हुआ, तो वहां के जो एक राजा थे जो वहां पर शासन करते थे वह एक बुद्धिस्ट प्रिस्ट किंग थे, यानी कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट ब्राह्मण कह सकते हैं उनके, कह सकते हैं पादरी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, जो एक चोग्याल नाम के इंसान थे जिनके द्वारा इसे शासित किया जाता था। यदि हम भारतीय संविधान के तहत बात करते हैं तो इट बिकेम अ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1890। जैसा कि 1890 ईस्वी में सबसे पहले ब्रिटिश राज्य या ब्रिटिश जो हमारे इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया का यह एक प्रिंसली राज के रूप में 1890 में यह सम्मिलित होता है। ठीक है, एंड आफ्टर 1947 के बाद व्हाट हैपेंड, तो 1947 के बाद सिक्किम कंटिन्यूड इट्स प्रोटेक्टोरेट स्टेटस विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जब तक हमारा देश गणतंत्र हो जाता है तब तक 1947 के बाद से सिक्किम अपने संरक्षण के स्टेटस के रूप में वो लगातार प्रयासरत रहता है, प्रयास करता है। ठीक है, जिसके तहत इन 1973 एंटी रॉयलिस्ट राइट्स टू प्लेस इन फ्रंट ऑफ द चोग्याल्स पैलेस, और जिसके कारण आपको पता होनी चाहिए कि 1973 ईस्वी में सबसे पहले जो वहां के चोग्याल राजा थे, सम्राट थे, एक बुद्धिस्ट प्रिस्ट जो थे राजा थे, उनके महल के जस्ट सामने सबसे पहले एक रॉयलिस्ट राइट हो जाती है, जिसके कारण मायने सी बात है किसी के महल के सामने, किसी साम्राज्य के जो उनकी महल है उनके सामने यदि किसी भी प्रकार का एक, कह सकते हैं रॉयल फैमिली वाला यदि राइट हो जाता है तो क्या होता होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इन 1975
द मोनार्की वॉज डिपोज्ड बाय द पीपुल, क्योंकि 1975 ईस्वी में फाइनली सिक्किम के जो भी जनसंख्या थी, सिक्किम के जो लोग थे, उनके द्वारा मोनार्की को कंप्लीटली डिपोज कर दिया गया, यानी राजशाही जो सिस्टम चलाए जा रहे थे उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। एंड अ रेफरेंडम इन 1975 लेड टू द सिक्किम ज्वाइनिंग इंडिया एज इट्स 22nd स्टेट्स। और अंततः वहां पर एक रेफरेंडम 1975 में लाया जाता है, जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि सिक्किम जो है 22वां राज्य के रूप में भारत के साथ सम्मिलित हो जाता है, भारत का 22वां राज्य बन जाता है, ठीक है। अब इसके साथ हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हमें एग्जाम में पूछती है। वह प्रोविजनल क्या हो सकता है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज इम्पावर्स द यूनियन गवर्नमेंट, हमारे यूनियन खासतौर पर इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो संविधान है, वो भारत सरकार को, केंद्र सरकार को वो इम्पावर करती है, सशक्त करती है टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, को नए राज्यों का गठन करे आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, या छोटे छोटे कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में बंटना चाहते हैं तो उसको भी वो सुपुर्द करे, और टू मर्ज और दो राज्यों को आपस में मिला सके, या कह सकते हैं स्टेट्स विद अदर या दूसरे राज्यों के साथ उसको ला सके। तो ये हमारा जो होता है भारत के, यदि संविधान की बात करते हैं, भारत की संविधान हमारी कहती है इन दिस प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। और ये पूरे के पूरे जो हमारा प्रोसेस होता है, पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। इन द रिसेंट द बेसिक ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कुड बी लिंग्विस्टिक, तो हमारा जो राज्यों का जो पुनर्गठन होता है वह या तो लिंग्विस्टिक हो सकता है, या तो भाषाई हो सकता है, या तो धार्मिक हो सकता है, या एथिक्स के आधार हो सकते हैं, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार हो सकता है, प्रशासनिक हो सकते हैं, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 3, तो भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 3 है वो क्या कहता है, तो एज पर द आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, ये हमें अधिकार देता है कि हम नए राज्यों का फॉर्मेशन करेंगे, एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, क्षेत्रों को अल्टरनेट करेंगे, मिलाएंगे, बाउंड्रीज तथा नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, तथा राज्यों के नया हम नाम का भी उद्धरण करेंगे। इस तरह के जो हमारे पास प्रोसेस होती है, या भारत के संविधान के आर्टिकल 3 हमें इस तरह के कार्यों को करने के लिए इम्पावर करता है, ठीक है। तो इस आधार पे हमारे आप लोग जैसा कि एग्जाम बैठते होंगे, देखते होंगे, तो एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारा सिक्किम राज्य से पूछे जाते हैं। तो आई थिंक सिक्किम राज्य से रिलेटेड आपको मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वर्तमान की स्थिति आपको स्पष्ट कर दिया। अब हम दूसरी इसमें टॉपिक लेके आते हैं, वो टॉपिक हमारा है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है, वी नो कॉमनवेल्थ, तो फर्स्ट वी हैव टू नो कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस, जिसको हम साधारण भाषा में रियली इसका नाम क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस नाम है, ठीक है। यानी अनेक राज्यों का एक सम्मिश्रण है, एक यूनिट है, सबसे पहले याद रखिएगा, और इसी को हम लोग कॉमनवेल्थ के रूप में जानते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ 54 मेंबर स्टेट्स, यह जो है 54 मेंबर स्टेट्स का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, सबसे पहले याद रखिएगा। बिकॉज समटाइम्स अदर इन इंटरव्यू, समटाइम्स अदर वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू द रिटेन या मेंस एग्जामिनेशन, यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू नोटिफाइड दैट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ, व्हाट डू यू मीन या व्हाट इज द पर्टिकुलर मीनिंग, ओके, इन दैट क्राइटेरिया यू हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एंड कॉन्क्रीट कॉन्स्टेंट रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन, इज इट ओके। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ जो है, सबसे पहले तो एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, इसको हम साधारण तौर पे कॉमनवेल्थ बोलते हैं, और यह हमारे 54 सदस्य राष्ट्र राज्यों का यह हमारा एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, इज इट ओके। एंड इन द फर्दर इलेक्शंस वी कैन से दिस इज नियरली ऑल फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और इनमें वैसे ही राज्यों को सम्मिलित की जाती है जो एक न एक दिन ब्रिटिश राज्य के अधीन रहे होंगे, ठीक है। तो जो ब्रिटिश राज्य के अधीन रहे होंगे या ब्रिटिश के जो गुलाम रहे हैं, वैसे राज्यों को ही इसमें सम्मिलित किया जाता है, इज इट ओके। सेकेंडली पॉइंट आप कह सकते हैं कि अभी हम यदि करंट की बात करते हैं, ठीक है, तो करंट कॉमनवेल्थ ऑफ द जो नेशंस है, इट वॉज कंप्लीटली फॉर्मली या फॉर्मली कंस्टिट्यूटेड बाय द लंडन डिक्लेरेशन इन 1949। तो भी वर्तमान के जो हमारा कॉमनवेल्थ ऑफ जो नेशंस है, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ बोलते हैं, इसकी जो कंस्टिट्यूट किया गया था, जो इसकी बनावट हुई थी, वह लंडन डिक्लेरेशन
के तहत 1949 में किया गया था, ठीक है, विच मॉडर्नाइज द कम्युनिटी एंड एस्टेब्लिश द मेंबर्स स्टेट्स एज फ्री एंड इक्वल, जिन्होंने सबसे पहले कम्युनिटी के लेकर के इन्होंने मॉडर्नाइज किया, अपने एस्टेब्लिशमेंट को लाया, जिसमें सदस्य जो इसके आप कह सकते हैं जो राज्य थे, मेंबर जो स्टेट्स थे, उनको इन्होंने एक कह सकते हैं कोटेशन दिया, एक मंत्र दिया कि भाई हमारे जो मंत्र होगी वो फ्री एंड इक्वालिटी का होगा, हम स्वतंत्र हैं, सबसे पहला हम स्वतंत्र हैं और साथ ही साथ हम इक्वली हैं, मतलब हम एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने इस चीजों को आगे बढ़ाया। अब बात होती है कि इसको हम मेंबर कैसे बन सकते हैं, इत्यादि इत्यादि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर कहते हैं मेंबर स्टेट्स ऑफ जो कॉमनवेल्थ होते हैं आर नॉट लीगली लायबल और बाउंड टू ईच अदर, वह न तो वैध रूप से लायबल है, नहीं वो एक दूसरे से बाउंड है, बाध्य करने के लिए, बट रेदरली इफ यू आर टॉकिंग तो दे आर रेदर यूनाइटेड बाई लैंग्वेज, तो वे या तो भाषा के आधार पर यूनाइट है, हिस्ट्री के आधार पर यूनाइट है, कल्चर को लेकर के यूनाइट है, या लाइकनेस ऑफ डेमोक्रेसी, जब एक दूसरे की डेमोक्रेसी को यदि वो पसंद करते हैं तो भी वो एक दूसरे से आप कह सकते हैं अटैचमेंट के साथ रहेंगे, ह्यूमन राइट्स हो सकता है, और जो रूल ऑफ जो लॉ होता है, जो एक लॉ यानी कह सकते नेचर ऑफ जो लॉ होता है, ठीक है, इस आधार पर वो इस तरह के कार्य कर सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया का तो काम करेंगे, ठीक है। आगे होता है इसके और कुछ आप मैटर को पॉइंट आउट को कर सकते हैं, जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेंबर स्टेट्स, ठीक है, तो इस मेंबर स्टेट्स जो होते हैं, इस मेंबर स्टेट्स को आगे बढ़ाया जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स के, आप नाम सुना हो, जो प्रत्येक 4 साल पे होता है, ठीक है। तो इन द इंग्लिश सेंस वी कैन से मेंबर स्टेट्स आर एक्सटेंडेड बाय द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, जो प्रत्येक 4 साल पे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, उस आधार पे इसकी कह सकते हैं सदस्यता का खुशहाल करने के लिए, एक अटैचमेंट जो होता है वो बढ़ाने के लिए इसमें काम होती है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1930 ईस्वी में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, और हुआ था जो वो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है, सबसे पहला यदि होस्ट हुआ था कॉमनवेल्थ गेम तो वो 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन हमारा आता है कि जो हम कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं, ठीक है, ये कॉमनवेल्थ गेम को अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे 1930-1950 ईस्वी के दौरान जाते हैं तो 1930-1950 ईस्वी के दौरान में इसका जो नाम दिया गया था वह नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स वाज नोन सिंस 1930-1950 से लेकर 1950 तक इसको नाम दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर गेम। और एक्चुअली ये जो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स जो था, दिस वाज नेम्ड या गिवेन द नेम बाय मिस्टर मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स जो 1930 ईस्वी में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, और ये जो फर्स्ट जो हमारा कह सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर जो गेम नाम दी गई थी, या ब्रिटिश नाम देने वाला जो थे वो मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन ने थे। उसके बाद इसका नाम फिर बदलाव होता है, फिर इसको 1954 से लेकर के 1966 के बीच में नाम बदल जाती है, और 1954 से लेकर 1966 तक इसका जो नाम था वह था ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। 54 से 66 ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, इज इट ओके। और फाइनली व्हाट हैपेंड, ब्रिटिश कॉमन गेम्स 1970 से 1974 तक इसका नाम रहा, ठीक है। इसके आधार पे भी आप जान सकते हैं कि इसमें बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि इसके आधार पर हमारा कॉमनवेल्थ विंटर गेम होता है, तो कॉमनवेल्थ जो विंटर गेम होती है, ठीक है, यह खासतौर पे जो खेल होते हैं, ठीक है, दिस इज अ स्पोर्ट्स ऑन स्नो एंड आइस फॉर कॉमनवेल्थ एथलीट्स। तो कॉमनवेल्थ एथलीट्स जो बर्फ आइस पर जो खेलते हैं उनके लिए है, यह सबसे पहली बार 1958 में और फिर 1962 में खेला गया था, इज इट ओके। और इसको लास्ट जो एडिशन हुआ है विश्व में, इसका लास्ट एडिशन जो हुआ था 1966 में, और फिर 1974 के बाद ये एडिशन नहीं हो पाया, तो फाइनली कसम 1974 तक ये हमारा जो कॉमनवेल्थ विंटर गेम हुआ, इज इट ओके। उसके बाद हमारा एक और गेम होता है जिसका नाम है पैराप्लेजिक गेम्स। पैराप्लेजिक गेम्स क्या होते हैं, तो पैराप्लेजिक्स जो गेम होते हैं ये भी एक एथलीट्स है, और इसको खेलने वाले जो होते हैं पैरालंपिक्स के एथलीट्स होते हैं, जिसको हम लोग डिसेबिलिटी कहते हैं, यानी प्लेयर्स या एथलीट्स विथ डिसेबिलिटी।
तो जो डिसेबिलिटी होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, वह इस तरह के गेम को खेलते हैं। और ये भी हमारा 1958, फिर 1962, और इसका लास्ट जो एडिशन हुआ वो 1966 में हुआ, फिर 1974 में हुआ, ठीक है। और फाइनली यूथ गेम्स के आप नाम सुने होंगे, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम जो होते हैं, ये खेलने वाले जो एथलेटिक्स होते हैं उनकी जो एज होती है 14 से 18 साल के बीच होता है, ठीक है। और यह सबसे पहली बार 2000 ईस्वी में खेला गया था। इज इट ओके। अब बात होती है कि इसकी स्ट्रक्चर तैयार कैसा होता है। तो माय डियर गाइस, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं या कॉमनवेल्थ ऑफ जो नेशंस हैं, इसके जो हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ जो होते हैं, यानी इसका जो मुख्य होते हैं, वो मुख्य कौन है? क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है इसके हेड हैं, सबसे पहले याद रखिएगा। और क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की जो पोजिशन अभी है वह कम्प्लीटली एक सिंबोलिक रूप से उनकी पोजिशन, सिंबोलिक का मतलब है कि इमेजिनरी उनकी पोजिशन है, ठीक है। तो इस आधार पर हम आपके सामने दो टॉपिक को रखा, एक हमारा सिक्किम और दूसरा हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स से आधारित है, और ये दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और एक और चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जैसा कि हमने न्यूट्रिशन की जो रिपोर्ट की चर्चा किया था, वो न्यूट्रिशन की रिपोर्ट तथा ये जो हमारे अभी वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत जो एक इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है COVID-19 पेंडेमिक को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ का, ये दोनों को मैं आपके मैगजीन में ये पूरे मटेरियल को मैं दे रहा हूँ, जहाँ पर आपको एक हार्ड कॉपी में उपलब्ध हो जाएंगे, जिसको आप पढ़ करके एक मटेरियल आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि वो एक लॉन्ग टॉपिक है और लॉन्ग टॉपिक के साथ साथ आपको डिस्कशन भी लॉन्ग चाहिए, जो पीटी मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो उस आधार पर मैंने वो मैगजीन में आपको सम्मिलित कर दी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।